नगर निगम शिमला में अलग अलग पार्टी और विचारधारा से जुड़े पार्षद भले ही अधिकतर मुद्दों में एक दूसरे के खिलाफत करते नजर आते हों, लेकिन टाउन हॉल में नगर निगम को शिफ्ट करने पर सभी एकमत है। शुक्रवार को हुई बैठक में सभी पार्षदों ने प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज दिया और कहा कि नगर निगम आगामी बैठक टाउन हॉल में ही करेगा। नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने मीडिया को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। जो है उस रखा गया था तो उसमें जो है बहुत से FCPC और GFC में जो मुद्दे जो है यहाँ से आगे हाउस में भेज जाते हैं, उस पर जो है विचार विमर्श किया जाता है और उसको जो है फाइनल करके जो गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। तो उसमें बहुत से मुद्दे रहे हैं हमारे, जैसे ये ग्रीन टैक्स को लेके हैं तो उसको भी पास कर दिया गया है कि उसमें ये रखा गया था कि जो छोटे जो वाहन हैं उसके लिए जो 50 रुपये फीस रखा था और जो उससे बड़े हैं उसके लिए 200 और जो उससे बड़े हैं उसके लिए 300। लेकिन उसमें ये भी था कि अगर बाई चांस कोई नहीं देता है तो उसको पेनल्टी, छोटे वाले को जो है 500 पेनल्टी और जो बड़े व्हीकल है उनको जो है 1500 रुपये जो चार्ज उस पर जो चार्ज किया जाएगा। तो एक ये मुद्दा रहा और जो है एक विशेष मुद्दा ये रहा कि जब भी कहीं पर भी MC एरिया कहीं पर भी किसी भी तरह कोई फंक्शन किए जाएंगे उसमें जो है स्पेशल जो प्री फैब्रिकेटेड जो टॉयलेट्स जो लिए जा रहे हैं उनको जो वहाँ वहाँ जो लगाया जाएगा, जब जब इमरजेंसी हो तो उनको जो यूज़ करने के लिए लगाया जाएगा। तो ये बहुत अहम फैसले थे और सबसे अहम ये थे कि जो अभी जो रेन डैमेजेस में जो नुकसान हुआ है उसके लिए अभी फिर से जो है 1,74,00,000 का जो फिर से अभी जो एस्टीमेट आए हैं, तो कम से कम ये जो जितना भी रेन डैमेजेस में जो भी नुकसान हुआ कम से कम ये 10-12 करोड़ के करीब करीब है और इसको भी सहमति दे दी गई है। कुल बिजली को लेकर भी जो तय हुआ था FCPC में जो तय हुआ था उसको जो है उसने अप्रूव कर दिया है कि जो पर यूनिट जो पहले 10 रुपये लेते थे अब जो है उसको 20 पैसे कर देंगे। पहले 10 पैसे होता था, 20 पैसे जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, उससे जो है MC को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।